तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अलजेब्रा का ही होता है, अलजेब्रा का ही है, जिसका कि नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है और उस पर ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये आज के टॉपिक में हम सीखेंगे सिंपल इक्वेशन में। ठीक है, और इसमें हम सिंपल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सिंपल इक्वेशन बनते कैसे हैं, ठीक है, ये भी आज के इसमें सीखेंगे। तो और सिंपल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। और इसका जो आपका जो यूज होता है, जो एजेस के प्रॉब्लम होते हैं ना उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, परसेंटेज में हो सकता है, कहीं पे भी इसका यूज होता है। तो मुझे लगता है कि एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चले स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोग भी सारे ज्वाइन कर चुके हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन देख पा रहे हो, स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है? अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द साइन। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और वो क्या क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो भी एक्सप्रेशन होंगे जो इक्वल टू साइन होता है, इसके दो साइड पे जो एक्सप्रेशन होंगे उनके बीच का रिलेशन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट मोस्टली हैज वन वेरिएबल एंड इक्वल टू सिंबल। और ये जो इक्वेशन बनेगा उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि एक्स है तो सब इसमें एक्स ही रहेगा। ठीक है, और इसकी डिग्री भी एक ही रहेगी। ठीक है, और इसमें एक इक्वल टू का साइन होता है, ये होता है आपका सिंपल इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपका ये आपका है इक्वल टू का साइन, और आपको कहा कहा है, क्या कहा है यहाँ पे, द मैथमेटिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ साइन। तो इधर भी एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन यानी कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने कल देखा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो आपको यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन ये है, 2x-4=2। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, 2x-4=2। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है, इधर की जो साइड होती है, ठीक है, इक्वल टू के साइन के इधर की, ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इधर की जो साइड होती है वो क्या होती है, क्या होगी वो होगी आपकी, क्या यहाँ पे क्या होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको कभी कभी शॉर्ट में RHS भी कहा जाता है और इसको LHS भी कहा जाता है। तो ये होता है आपका सिंपल इक्वेशन, तो ये आपको क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे हमें इनपुट करनी पड़ेगी, यानी रखनी पड़ेगी, तब जाके अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखू तो क्या होगा, दोनों साइड आपके क्या होगे, इक्वल होगे। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, एक x की वैल्यू अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होनी चाहिए तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, वरना जो वैल्यू हम इसकी रखेंगे वो हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात आपको एक बताना था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं एक्स की यहां पे कुछ वैल्यू रखू, मान लो मैंने यहां पे एक रख दी, वन रख दी, ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखू, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, बराबर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होती रहेगी, इसलिए तो ये वेरिएबल है। आवाज नहीं आ रही आपको? ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमें बता रहा था आपको, यहाँ पे जो x है लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू क्या है, 2x-4=2। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स जो होता है आपका यहाँ पे, आपको पता है ये क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पर मैं ऐसी वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद
मेरा जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अगर इक्वल टू टू होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए ना, तो यही तो मीनिंग होता है इक्वल साइन का। मतलब यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू मैं ऐसी रखूं जहां पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए, ठीक है। अगर इस केस में इसको मैं मिटा देता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x-4 इक्वल टू 2, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहां पे क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 रखिए, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखिए, 2 × 0 - 4 इक्वल टू 2। 2 × 0 यानी क्या होता है आपका, 2 × 0 यानी क्या होगा, 2 × 0 0 - 4 इक्वल टू 2, 0 - 4 क्या हो जाएगा, 0 - 4 ये रहेगा -4 इक्वल टू 2। और -4 और -2 इक्वल टू है क्या, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो ये इक्वेशन वैल्यूड नहीं हो रहा है। तो आपकी एक्स इक्वल टू 0, 0 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक की वैल्यू 1 रख के देखता हूं, ठीक है, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे 1 रखता हूं, एक्स की वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू 1 रखू तो एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 × 1, सॉरी ये -1 नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 - 4 इक्वल टू 2, तो 2 × 1 2 - 4 इक्वल टू 2, तो 2 - 4 क्या बनेगा, -2 इक्वल टू 2, तो -2 और 2 बराबर है क्या, नहीं है, तो ये इक्वेशन बनेगा क्या आपका, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा क्या, नहीं। एक्स की वैल्यू आप 2 रख दो, एक्स की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 2x = 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 × 2 - 4 = 2, तो 2 × 2 4, 4 - 4 ये बनेगा 2, 4 - 4 0 = 2, तो 0 = 2 ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 इससे छोटा है, इक्वल तो नहीं है ना, तो x इक्वल टू 2 ये भी नहीं बनेगा। अब मैं रखता हूँ x इक्वल टू 3, ठीक है, इसके नीचे ही सॉल्व कर देता हूं मैं, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इसमें रखू मैं इक्वेशन में, तो x की जगह पे आपका क्या आएगा, 3 - 4 = 2, तो 2 × 3 क्या बनेगा, 6 - 4 = 2, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2, तो ये 2 = 2 है, बिल्कुल है। तो आपका जो x इक्वल टू 3 है, ये वैल्यू अगर मैं x की जगह पे रखूं तो दोनों मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बन रहे, इक्वल बन रहे, तो x इक्वल टू 3 ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा इस सिंपल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। सोल्यूशन क्या होता है ये समझ में आया आपके, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होना मतलब क्या होता है ये समझ में आया आपको, प्लीज बताइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल्यूशन मतलब क्या होता है समझ में आया, क्योंकि इस पे ही आगे हमारे क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज जिनको कुछ दिक्कत होगा तो पूछिए, ओके ओके फाइन, यस। वैल्यू सेम नहीं, आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन की आप उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू रखोगे तो आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर आपके राइट हैंड साइड पे 2 है और यहाँ पे कुछ वेरिएबल वगैरह मिला के एक्सप्रेशन दिया है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप ऐसे रखोगे तब जाके ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए तब आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा उसको, ठीक है। आगे देखिए, अभी जो हमने कल इसको सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, द सम ऑफ, ये क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या किया है, आपको ये जो वर्ड में दिया है ना, ये चार प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं मतलब लास्ट सेशन में, इसको आपको ये वर्ड में दिया है, ये आपको वर्ड में दिया है, ये आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बराबर, इसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आप ट्राई कीजिए, हम लोगों ने ये, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है, ये जो हमारा जो लास्ट का सेशन हुआ था, क्या नाम था उसका, अलजेब्रा में, ये हमने उसमें सीखा था। तो अभी पहला वाला देखिए, इसको मैं एक आपको सॉल्व करके देखता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ 3 × x + 11 = 32, तो इसको मैं इक्वेशन में कैसे लिखूं, सम ऑफ 3 × x, x है इसका 3 टाइम्स मतलब 3x, और सम, इसका सम किसके साथ, 11 के साथ,
और ये कितना होता है, इज मतलब ये इक्वल टू है किसके, 32 के। तो ये बन गया आपके पहले का सिंपल इक्वेशन। क्यों इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है, इसके वजह से ये बन गया आपका सिंपल इक्वेशन। क्लियर है फ्रेंड्स। आप दूसरा एग्जांपल देखिए क्या दिया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन में लिखना है। तो अगर मैं कहता हूं यहां पे क्या दिया है, अगर आप किसी नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, किससे, 6 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 6 गुना होगा, उसमें से अगर आप पार्ट घटा दोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 7। तो अगर मैं करूं कि मैं मान लेता हूं कि मेरा वो नंबर क्या है, लेट नंबर जो है उसको मैं कंसिडर करता हूं वो आए, और ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर झेड के बीच में आपका कुछ भी, जो भी आपको कंसिडर करना है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट नंबर बी वाई, तो यहाँ पे क्या दिया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, 5 माइनस करना है किससे, 6 टाइम्स अ नंबर, ये जो नंबर होगा इसके 6 टाइम्स, यानी कि क्या बनेगा 6y, इसमें से अगर आप 5 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू गेट मतलब इक्वल टू क्या मिलेगा, 7। तो ये बन गया आपका इसका, एंड ये बन गया इसका इक्वेशन। क्लियर है, क्यों इक्वेशन बन गया, एक वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है। क्लियर है, ये दो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थर्ड और फोर्थ वाला प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ट्राई कीजिए, गलत होता है कोई बात नहीं, बट ट्राई कीजिए। जिनका आंसर आता है वो टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ट्राई कीजिए। क्या दिया है, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। आपके आंसर, और तीसरा लास्ट वाला क्या है, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। ठीक है, मुझे लगता है तीसरे वाले में कई सारे गलतियां हो चुकी है इसमें कुछ लोगों का। ठीक है, आंसर थोड़ा गलत आया है, ज्यादा नहीं, बट क्योंकि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, m एक नंबर है आपका, ठीक है, इसका 1/4 मतलब 1/4 × m इज, इसका 1/4 लोगे क्या होगा, 3 से ज्यादा है किससे, 7 से, मतलब इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये होता है, ये है उसका सॉल्यूशन, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या कहा है, 1/4 of m is 3 more than 7, मतलब अगर आप 1/4 लोगे m का, उसमें से अगर 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, क्योंकि इसका जो 1/4 लेने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 3 से ज्यादा होगा किससे, 7 से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बनेगा 1/4 m - 7। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, 1/4 of m is 3 more than 7, मतलब आप उस m का 1/4 लोगे, ठीक है, और उसमें से 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। उसको ही उल्टा थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है कि 3 more than 7 लिखा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब 1/4 of m - 7 इसका डिफरेंस है 3। ठीक है, और क्लियर है क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब ये नंबर क्या क्या कहा है आपको, 1/4 of m, अगर आप m लोगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, m है इसका 1/4, यानी 1/4 × m, यानी 1/4 m इज 3 more than, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 से ज्यादा है, इसकी जो वैल्यू जो है इस नंबर की, 1/4 करने के बाद भी इसकी जो वैल्यू है
कितने से ज्यादा है? 3 से, बट किससे? 7 से। इसका मतलब क्या है? अगर इस नंबर में से हम 7 को घटा दे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाला देखिए, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। अगर हम वो नंबर, पहले तो हमें नंबर समझना पड़ेगा ना क्या है वो, इसलिए हमें पता नहीं, इसलिए हम कंसिडर करेंगे लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, फेवरेट वेरिएबल। तो आगे इसका क्या दिया है? 1/3 ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 1/3 ले लो, क्या आएगा? 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। ऐसा करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? इज 8। मतलब इस ऐसा करने के बाद आपका उस नंबर का 1/3 लोगे और उसमें 5 मिला दोगे तो आपकी वैल्यू 8 आएगी, मतलब इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपके चारों के सॉल्यूशन। तो वर्डिंग पे आप अच्छा ध्यान दीजिए, जो आपका क्वेश्चन होता है उसकी वर्डिंग कैसी होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। राजूज फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड, सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड द राजूज एज। ठीक है, राजू का एज निकालने के लिए इक्वेशन बनाइए। राजू का एज पता ही नहीं, बट इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और ये बनेगा इसका सिंपल इक्वेशन। ठीक है, यही तो आपको मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपल इक्वेशन का बहुत यूज होता है। इसको ट्राई कीजिए। क्या कहा है? राजूज फादर्स मतलब राजू के जो पिता है उनका जो एज है इस 5 ईयर्स मोर, मतलब 5 साल ज्यादा है, किससे? 3 टाइम्स द राजू, राजूज एज मतलब राजू का जो एज है अभी का, उसका 3 गुना भी कर दे हम और उसमें उससे भी 5 साल ज्यादा है, किसका उम्र? राजू के पापा का। तो इक्वेशन कैसे बनेगा ये हम पहले थे मान लेते हैं कि लेट लेट राजूज एज इक्वल टू एक्स। बराबर, राजू का एज क्या है हमने एक्स मान लिया। अभी आगे सॉल्व कीजिए, फटक से आंसर आ जाएगा आपका 3x+5 इक्वल टू, उस तो ये इक्वेशन नहीं होगा ना सिंपल इक्वेशन 3x+5, क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, हमें सिंपल इक्वेशन बनेगा। सेटअप एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब वहां पे आपका इक्वल टू का साइन आना ही आना है। ठीक है, तभी वो इक्वेशन होगा, क्योंकि हम वैल्यूज को या एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब इसको सोचिए कि पापा, उसके पापा का एज क्या बनेगा? क्या बनेगा? पहले तो क्या दिया है? 5 साल ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5 साल ज्यादा है मतलब मोर है, मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, लेकिन किस में ऐड करेंगे? जो कि मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, राजू का जो एज है उससे 3, राजू का एज है उसका 3 गुना कर लो, उसमें अगर आप 5 साल डालोगे तब उसके पापा का एज मिलेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? राजू का एज कितना है? राजू, इक्वेशन कैसा बनेगा अभी? राजू का एज कितना है? एक्स। ठीक है, एक्स ईयर्स। ठीक है, इसका 3 टाइम्स यानी 3x बनेगा और इससे भी 5 साल ज्यादा है, मतलब इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा? 5, और तब जाके ये इक्वेशन बनेगा 3x+5। और राजू के पापा का उम्र कितना दिया है? 44 ईयर्स। इक्वेशन ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? 3x+5 इक्वल टू 44। यस, कई लोगों के आंसर है, बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए, जैसा भी आए कोई बात नहीं, बट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आपको एक टेबल दिया है, यहां पे एक इक्वेशन है और आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करनी दी है आपको, इस कॉलम में दी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 3, और यहाँ पे पूछा है से वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। और आपको एक बताना भूल गया मैं, मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन x+3 इक्वल टू 0,
अभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ये हम कब कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर कुछ रख दूँ और जो इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स की वैल्यू रखने के बाद दोनों अगर सेम होते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, ऐसे हम कहते हैं। इस केस में अगर इसकी राइट हैंड साइड 0 है तो एक्स की मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी तब जाके इस साइड में भी 0 आएगा, तो वो जो एक्स की वैल्यू होगी उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और वो जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन, देखिए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे आपको दिया है एक्स इक्वल टू 3 बराबर। अभी ये 3 मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखते हैं क्या आता है, तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखिए 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गया 6 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड पे 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। ठीक है, अगला बताइए एस और नो, ये वाला अगला बताइए, दूसरा देखिए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू दी है 0, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखिए तो एक्स की जगह पे 0 आएगा इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 3 3 इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू सेम है क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नो आएगा। तीसरा ये वाला क्या है, सेम इक्वेशन है एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, बट अगर अभी यहाँ पे आपको दिया है एक्स इक्वल टू -3, तो ये वैल्यू इसमें रखिए एक्स की वैल्यू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, -3 प्लस 3 क्या बनेगा 0, 0 इक्वल टू 0, तो दोनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए, यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे भी 0 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यस, तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे। क्लियर है, अगले वाला ऐसा देखिए फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ का क्या आएगा, फोर्थ वाला देखिए फोर्थ वाला ही है ना, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स -7 इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपको एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स इक्वल टू 7, मतलब एक्स की जगह पे 7 रखना है, तो एक्स की जगह पे मैं 7 रखूंगा तो 7 -7 इक्वल टू 1, लेकिन हमें पता है 7 -7 0 है, तो 0 इक्वल टू 1, अभी लेफ्ट हैंड साइड 0 है राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो इक्वल हो क्या, नो, तो यहाँ पे आएगा नो। यहाँ पे देखिए ठीक है, अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, तब तक आप आगे के सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन x -7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू है 8, तो x की जगह पे 8 रखो 8 -7 इक्वल टू 1, तो 8 -7 1 इक्वल टू 1, हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा s। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ वाला देखिए 5x इक्वल टू 25, तो और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है 0, 8 नहीं 0 है ये वाला, तो यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो 5 × 0 = 25, 5 anything × 0 क्या बनेगा 0 = 25, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो ये नो। ठीक है, अब देखिए 5x = 25, अब x की वैल्यू आपको दी है 5, तो x की जगह पे 5 रखिए कितना आएगा 25 = 25, दोनों सेम है तो ये सेम आएंगे, यप। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, अब यहां पे देखिए x = 25 और x की वैल्यू दी है आपको -5, तो -5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 × -5 = 25, 5 × 5 = 25, बट यहाँ पे आप देखोगे ये -5 है और हमें पता है +5 + - क्या बनेगा माइनस, तो ये पे क्या बन गया -25 = 25,
ये क्या हो गया, इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये आपका नो बनेगा, राइट। अगला वाला देखिए, m बाय थ्री इक्वल टू टू, और m इक्वल टू आपको दिया है -6, तो -6 m की जगह पे रखोगे तो 2 आएगा, तो ये -2 इक्वल टू टू। दोनों इक्वल है क्या? -2 और 2 इक्वल है क्या? नहीं है, ये तो छोटा है इससे, तो इक्वल तो नहीं होगा ना, तो ये नो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, m बाई थ्री इक्वल टू टू, और आपको m की वैल्यू दी है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू टू, और 0 को हम किसी से डिवाइड करें तो ये 0 आएगा, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू टू। 0 इक्वल टू 2 क्या आएगा? इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये नो होगा, ठीक है। लास्ट वाला मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। m बाई थ्री इक्वल टू टू, और m की वैल्यू आपको अभी क्या दी है? 6, तो m की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू टू, तो यहाँ पे 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, तो ये क्या होगा? यस, ये इससे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। 11 वाला सेटिस्फाई होगा, समझ रहा है फ्रेंड्स आपको? आज जो हम सीख रहे हैं ये आपको समझ रहा है? प्लीज, आपको किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो पूछिएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अभी आपको दिया है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अभी आपको दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और आपको पूछा है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन है n+5 = 19, और यहाँ पे एक n की वैल्यू दी है 1, तो ये वैल्यू अगर आप n की जगह पे रखोगे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। और मैंने क्या कहा था, अगर सॉल्यूशन कब होता है कोई भी नंबर, जब आप उस वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल बन जाए, तब वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, n n इक्वल टू 1 रखिए, n यहाँ पे, सॉरी मैं पहले इक्वेशन लिख के लेता हूँ, n+5 = 19। अभी यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दी है? 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो 1+5 = 19, तो ये 6 = 19। दोनों सेम है क्या? नहीं है। इक्वेट कर रहे हैं मतलब दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। तो ये आपका n=1, ये जो होगा ये क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगला आप सॉल्व कीजिए, बी वाला। बी वाला क्या है, 7n+5 = 19, और वहां पे क्या है, n=-2। तो यहां पे रखिए 7 की जगह और n की जगह पे -2 रखिए, +5 = 19। 7 × 2 = 14, माइनस रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, = 19। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे 9 रहेगा, -9 और ये 9, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो n=2 ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, 7n+5 = 19, और यहाँ पे आपको n की वैल्यू 2 दी है, तो n की जगह पे रखिए, 2+5 = 19, ये बनेगा 14+5 = 19। 14+5 ये बनेगा 19 = 19। अभी दोनों की वैल्यू सेम है क्या? यस, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डी का क्या आएगा, यस या नो आएगा? ये पहले में जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डी का देखिए, 4p-3 = 13, और यहाँ पे आपको p की वैल्यू क्या दी है? 1, तो p की जगह पे 1 रखिए, -3 = 3। 4 × 1 4, -3 = 13,
यहाँ पे 1 इक्वल टू 13 आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे क्या दिया है, 4p-3 इक्वल टू 13। ओके, देन आगे आपको दिया है p की वैल्यू दी है -4। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, तो 4p-4-3 इक्वल टू 13, राइट। सो ये बनेगा -16-3 एंड इक्वल टू 13, तो ये बनेगा -19 इक्वल टू 13। सो ये क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं। ठीक है, एफ का क्या बनेगा, 4p-3 इक्वल टू 13, पी की वैल्यू आपको 0 दी है। और जब वैल्यू दी पी की, अगर वैल्यू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको 0 दी है, मतलब ये जो टर्म है आपकी, ये वाला इतना ब्लॉक आपका 0 बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0-3 इक्वल टू 13, और -3 और 13 इक्वल है क्या? नहीं है। मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे -3 आ रहा है और यहाँ पे 13 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगला वाला देखिए, अभी इसका आपको इक्वेशन लिखना है, ये 9 एग्जाम्पल है, इसको फटाफट आप ट्राई कीजिए। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, जो हम कर रहे हैं इसको, द सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4 इज 9। अभी नंबर एक्स है और 4, इन दोनों का सम क्या होगा, 9, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 9, y में से 2 घटा दो तो आपका 8 आएगा, सॉरी 9 नहीं, 8, ये बन गया आपका इक्वेशन। तीसरा, 10 टाइम्स a इज 70, मतलब 10 टाइम्स a, मतलब 10 into a, ये क्या बनेगा आपका, 17, तो ये क्या बनेगा, 10a इक्वल टू 70, ये बन गया तीसरे का। ठीक है, आगे वाले सॉल्व कीजिए, 4 to 9, फोर्थ वाला क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ का द नंबर b, b नंबर है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बनेगा 6, यानी b/5 = 6। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन। फिफ्थ वाला देखिए क्या है, 3/4 of t इज 15, 3/4 मतलब 3/4 of t, मतलब multiply by t = 15, ये बन गया आपका इक्वेशन, राइट। सिक्स वाला देखिए क्या दिया है, 7 times m + 7 gets you 77, मतलब 7 गुना of m, मतलब 7m + 7 आपको क्या देता है, 77, ये बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, अभी अगला देखिए, अगला क्या है, 1/4 of x - 4 gives 4, ध्यान से पढ़िए, 1/4 of नंबर x, 1/4 of x -4, इसमें से -4 कर दो तो आपको मिलेगा 4, गिव्स यू मतलब इक्वल टू साइन, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा करने के बाद आपका आंसर ये आएगा, तो ऐसा दर्शाने के लिए हम तो इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, इफ यू टेक अवे 6 from 6 times y, इसका मतलब क्या है, 6 times y मतलब 6y, इसमें से 6 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 60। ओके, और लास्ट 9 वाला, इफ यू एड 3 to 1/3 of z यू गेट 30। अभी आपको 3 ऐड करना है, किसमें, 1/3 of z में, ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 30, ये बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, यस, लिख लीजिए जिनको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसमें किसी को डाउट, किसी को कुछ समझा नहीं, बताइए, मैं फिर से समझा देता हूं। यस, देखें अगला वाला क्वेश्चन, यस, इसको सॉल्व कीजिए।
अभी इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल होता है कोई भी रहे, एक्स वाई जेड एन, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3n+7=25, तो 3n, अभी ये यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे अगर प्लस है, इसको अगर आप इधर से इधर भेज रहे हो या फिर इधर से इधर भेज रहे हो, ठीक है, या सपोज मान लीजिए यहाँ पे होगा और आप प्लस को इधर से इधर भेज रहे हो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तब ये प्लस का माइनस होगा, ठीक है। मतलब इधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस होगा। इधर अगर माइनस है, आप इसको इधर भेज रहे हो, तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। साइड अगर चेंज कर रहे हो तो साइन अपोजिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा आपका डिवाइडेशन में, इधर डिवाइडेशन में, तो इधर मल्टीप्लाई में। साइड चेंज करने के बाद ऑपरेशन अपोजिट बनता है आपका, ठीक है। देखिए राइट, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ए वाला, 3 9+7=25। अभी यहाँ पे ये +7 है, मैं इसको भेजूंगा इधर, तो ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 3n 25 -7, ये यहाँ पे क्या बचेगा, 3n = ये बचेगा 18। तो आपको n का वैल्यू निकालना है। अभी यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, कुछ साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये क्या बनेगा, डिवाइड। तो 18/3, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6। क्लियर है। सेम यहां पे देखिए बी का, देखिए बी का क्या है, 2p-1=23। 2p, अभी ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस राइट 1, तो 2p=24। तो p = यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 24/2, तो p = 12। P की वैल्यू क्या आ गई, 12। करेक्ट फ्रेंड्स। अगला देखिए सी का, 4x+5=65। और पहले आपको जो सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी ये दो एग्जांपल से आपने देखा ही होगा, सारे नंबर जो होंगे आप उसको एक साइड में भेजोगे, और वेरिएबल वाले जो टर्म होगी उसको एक साइड में, तो जो नंबर वाले उसको मैं राइट में भेज रहा हूँ। तो 65 यहाँ पे प्लस है, तो ये इधर जाके माइनस बनेगा, तो 4x = 60। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 60/4, तो ये क्या बनेगा, x = 15, ठीक है। अभी ये लास्ट वाला d का आंसर आप बताइए, d का आंसर क्या आएगा, d की वैल्यू क्या आएगी, आप d का जो है उसमें y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, बताइए प्लीज। आ रही है डी की वैल्यू, 7 आ रही है, 9 आ रही है या 5 आ रही है, बताइए। डी में जो आपका इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स, 7। ओके, क्योंकि यहां पे देखिए ये 20 है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10y = 70, क्योंकि 20+50 70, y क्या बनेगा, 7, क्योंकि इसको ये डिवाइड करेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आगे वाला देखिए, इसको सॉल्व करिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी है इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए प्लीज ये एग्जांपल्स। ए का देखिए, एल का वैल्यू कितना आएगा, एल का वैल्यू कितना आएगा, पहला वाला एल का वैल्यू कितना आ रहा है, 11, 12, 13, 14, कितना आ रहा है, एल का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे क्या है, 3L, ये L है, 1 नहीं है, 42, तो 42 को ये 3 डिवाइड में आएगा, तो ये कितना आएगा, 14, L की वैल्यू 14। B देखिए, B का क्या है, b/2=6, तो आपको b की वैल्यू निकालनी थी, ये 2 को इधर भेजिए, तो ये 6 × 2, तो b क्या बनेगा, 12। c की वैल्यू देखिए, p/7=4, p = क्या आएगा, 4 × 7, तो p = आएगा 28। क्लियर है।
अब डी का देखिए, 4x बाय इक्वल टू 25। अभी आपको x की वैल्यू निकालिए तो ये क्या बनेगा, 25/4। इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो ऐसे रखिए बस। ठीक है, e का देखिए, e का क्या आएगा, e का क्या आएगा, e का क्या दिया है, 8y=36। ठीक है, तो y इक्वल टू 36/8, यानी कि क्या आएगा, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 9/2, है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 और 4 2, और 9/2 मतलब 4.5। y की वैल्यू आ गई आपकी 4.5। ठीक है, ये हो गया हमारा f का। देखिए अभी यहाँ पे फ्रैक्शन में तो घबराना नहीं है, ठीक है, z/3=5/4, जो हमारी प्रोसीजर है उससे जाइए। तो 5/4 ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा फ्रेंड, z=15/4। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हो। और आगे का g का देखिए, a/5=7/15। ठीक है, तो a, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा, तो 5 7/15 = 5। ठीक है, बनेगा 5 3 15, तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 7/3, राइट। लास्ट का तो आपको पता ही है, लास्ट का क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं h=20t = -10। आपको t की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है मतलब t की वैल्यू, तो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड बनेगा, और t इक्वल टू ये 0 इसके साथ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, t इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। क्लियर है, इन इस क्वेश्चन में से किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, बताइए, मैं आपको वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ प्लीज, लेकिन डाउट है तो पूछिए, ताकि आपको एक बार क्लियर हुआ फिर आपको इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आने चाहिए, यही हमारी इस लेक्चर सीरीज से कोशिश है। अगला देखिए, ठीक है, अभी इसमें देखिए पहला वाला क्या है, 2y+5y2=37/2। इसको सॉल्व करना है मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको 2y करेंगे तो 37/2 - ये 5/2 इधर से इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2y = अभी दोनों का बेस सेम है तो आपका न्यूमेरेटर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 37-5/2। तो 2y = क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 32/2, बराबर। इसको आगे लिखता हूँ, 2y = क्या बनेगा, 16, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किया तो 16 आएगा। आपको y का वैल्यू निकालना है, तो 16/y, यानी कि आपका y = बनेगा 8। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, अगला वाला सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अभी आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये जो 28 है इसको इधर भेजिए, तो ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा, है ना, माइनस बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5t, इसको इधर लिख रहा हूँ, 5t + ये 28, ये 10, तो ये 5t = ये 10, ये माइनस हो जाएगा 28, बराबर। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो 5t = 10 - 28, ये बनेगा -18, बराबर। तो t = क्या बनेगा, -18/5, ये हो गया आपका आंसर। आगे वाला इसको मिटा देता हूं मैं,
आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखिए सी वाला, देखिए क्या है, ए बाय फाइव प्लस थ्री इक्वल टू टू। अभी ए बाय फाइव, ये जो थ्री है इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बाय फाइव इक्वल टू माइनस वन। आपको ए की वैल्यू निकालने, तो ये फाइव इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन इंटू फाइव, सो ए का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, माइनस फाइव, बराबर। डी वाला देखिए, डी का क्या है आपका, क्यू बाय फोर प्लस सेवन इक्वल टू फाइव, राइट। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू बाय फोर, ये फाइव माइनस सेवन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू बाय फोर इक्वल टू माइनस टू, तो क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एट, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कीजिए, डी से हुआ आगे आप जे तक सॉल्व कीजिए, जिसमें नहीं आता है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, बट अभी सॉल्व कीजिए। एक्स का वैल्यू कितना आएगा वहां पे, ये बनेगा माइनस वन बाय टू, इसको मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो फाइव बाय टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये फाइव कैंसिल होगा, और ये जो टू है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस टू, ठीक है। एफ का देखिए, एफ में क्या होगा, फाइव बाई टू एक्स इक्वल टू 25/4, तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ये 25/4, ये टू इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी ये टू है और ये फाइव डिवाइडेशन में आएगा, तो पांच फाइव इन फाइव, फाइव जा 25, टू टू जा 4, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, 5/2, ठीक है। आगे देखिए जी, जी का क्या है, 7m, ठीक है, 7m, सॉरी जी का लिखता हूं, जी 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 3। अभी 7m, ये 3 में से इधर से माइनस होगा, इधर जाएगा, तो 19/2, ठीक है, सॉरी ये 3 नहीं है, 13 है ना, 13 है। अभी इसका दोनों का बेस सेम नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7m इक्वल टू 13 इंटू टू क्या बनेगा, 26 माइनस 19, ठीक है। तो 7m, ये इन दोनों में से माइनस 19 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7, तो m इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्योंकि ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू 1। क्लियर है फ्रेंड्स, अभी इसमें से मैं आपको एक लास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ जे वाला, बाकी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जे में आपको क्या दिया है, 2b/3 माइनस फाइव इक्वल टू 3, तो 2b/3, ये माइनस फाइव इधर जाके प्लस फाइव बनेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, और b इक्वल टू क्या बनेगा, b इक्वल टू ये 3 होगा, ये 8 के मल्टीप्लाई में आएगा और ये 2 डिवाइडेशन में जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ, 4 आएगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या बनेगा, 4 × 3, तो b इक्वल टू आपका बनेगा 12, क्लियर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बट इसका जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, छोड़िए मत, क्योंकि ये काम की चीज है बहुत, आपको इस टाइप के आपको सिंपल इक्वेशन बहुत यूज करने पड़ेंगे आगे, ठीक है, बनाने पड़ेंगे, उसको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, अभी ये वर्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 27 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या यहाँ पे दो लोग हैं, एक इरफान है और परमित, यहाँ पे आई फॉर इरफान पी फॉर परमित, ठीक है। और परमित के पास क्या कहा है आपको, कि एम मार्बल है, ऐसा कंसिडर कीजिए। अभी आपको क्या क्या है, इरफान के पास कितने हैं, 37, तो इरफान की वैल्यू 37 आएगी। बट इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा है,
इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है, मतलब किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, मतलब परमित जितने हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, परमित का जितने मार्बल है यानी कितने हैं एम, उसका 5 टाइम्स, उल्टा पढ़िए ऐसा, 5 टाइम्स यानी कि 5, इससे 7 ज्यादा, यहाँ पे लिखा है ना स्टार्टिंग में, ओ और फिर से लिखना पड़ेगा। इरफान के पास 37 है, परमित के पास एम है ना, तो इनका इक्वेशन कैसे बनेगा, 5 टाइम्स द मार्बल परमित है, परमित के पास एम है, इसका 5 टाइम्स, इससे भी 7 ज्यादा है, मतलब +7, तो इतने मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है, और वो कितने हैं 37। तो फ्रेंड्स ये बनेगा आपका इस इक्वेशन क्वेश्चन के लिए इक्वेशन, ठीक है। दूसरा देखिए, लक्ष्मीज फादर्स एज सॉरी लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो अभी इसको आपको इक्वेशन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई, तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं दूसरे क्वेश्चन को, जो लक्ष्मी है इसका एज हम करेंगे वाई ईयर्स। अभी उसके फादर का आपको कितना दिया है 49, अभी आपको इसको इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी का जो एज है इसका 3 टाइम्स यानी 3 वाई, इससे भी कितने बड़े है वो 4 साल, मतलब इसमें और 4 साल ऐड करने पड़ेंगे तब जाके ये जो बनेगा ये किसका एज बनेगा, पापा का, और वो कितना है 49। ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप इसको होमवर्क पे सॉल्व कीजिए, क्या है, द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। इसके लिए आपको इक्वेशन बनाना है, टीचर ने क्या कहा है, जो हाईएस्ट मार्क है वो क्या है 7 से ज्यादा है, मतलब +7 है, किससे, जो लोवेस्ट मार्क है उसका जो डबल लोगे उससे भी 7 से ज्यादा है। तो ये तो इक्वेशन अभी बता पता ही चल गया आपको, बस आपको इसको इक्वेशन में लिखना है। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, मैंने कोशिश की कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तब के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।